We are in Unit 1 of our syllabus. As I have stated that these lectures are all equally important for students of Class 12 as well as those who are preparing for some competitive examination, BSc and other examinations. Now we are going to discuss graphite and fullerene. Before this, you may have heard about allotropes of carbon. कार्बन के एलोटॉप्स में बेसिकली जो आपके पास क्रिस्टलाइन एलोटॉप एंड एमॉर्फस एलोटॉप्स आए थे, एमॉर्फस में आपके पास में कोक हो गया था, कोल हो गया था, चारकोल हो गया था, लैम्पलेक, ये सब हो गए थे. ठीक, क्रिस्टलाइन एलोटॉप्स में आपके पास ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ और फुलरीन. ये जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोटॉप ऑफ कार्बन थे. उनमें से हम सेलेक्टिवली अभी सेलेक्टिवली किसको पढ़ रहे हैं, ग्रेफाइट और फुलरीन को पढ़ रहे हैं. वी विल इंट्रोड्यूस ग्रेफाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, यूजेज एंड द सेम विल बी डिस्कस्ड फॉर फुलरीन आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट. दिस ग्रेफाइट इज क्रिस्टलाइन एलोटॉप ऑफ कार्बन. इट इज द वाइडली नोन टाइप्स ऑफ दिस ग्रेफाइट इज बीटा एंड अल्फा. फॉर्म्स दो तरह के हुए, ठीक है, और जो अल्फा क्रिस्टल है, अल्फा क्रिस्टल वुड सीम बेंट और एज अ फ्लैट, लेकिन हम लोग इसमें से नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट को ही पढ़ते हैं. यानी कि हमारे पास में जो नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट है वो कैसा होगा, हेक्सागोनल. ठीक, अगर आप चाहते हो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो अल्फा टू बीटा, इट कैन बी डन बाय ट्रीटिंग इट मैकेनिकली, बीटा से अल्फा पे भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास नेचुरली ग्रेफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ग्रेफाइट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. मैं आपको बताया नेचुरल ग्रेफाइट जो है दोज एग्जिस्ट एज लेयर्स ऑफ कार्बन एटम हेल्ड ईच हेल्ड इन प्लेस बाय थ्री स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग, जिसको हम लोग अल्फा ग्रेफाइट बोले हैं. ठीक, ये ध्यान रखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नेचुरल ग्रेफाइट को पढ़ रहे हैं, अल्फा ग्रेफाइट को पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो जो है कि हेक्सागोनल होता है. इसमें से जो फोर्थ वैलेंसी, कार्बन की ट्रेडिशनल वैलेंसी कितनी है, फोर. फोर्थ वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन इज फ्री टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, मीन्स दैट विल बी अ रीजन फॉर डी लोकलाइज्ड सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वैसे आप सब लोग ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्लास 12 में पढ़ चुके हो, हम लोग उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, नथिंग एल्स. ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ थ्री अदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरलिंक सिक्स मेंबर रिंग. ठीक है, जो पाई बॉन्ड्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम्स यूटिलाइजिंग हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड dp जेड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम. वन थिंग आई वांट टू मेंशन, जनरली हम जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में बोलते हैं, वो सिग्मा बनाता है, तो यहां पर आपको जेड नहीं बल्कि एक्स और वाई, यू कैन से एक्स और वाई, लेकिन बुक्स में आपकी भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है. बट बेसिकली अब का जो ट्रेडिशन है कि 2pz विल बी फॉर्मिंग सिग्मा, विल बी इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, बाकी के एक्स और वाई में से कोई भी पाई बॉन्ड को आप रख सकते हैं. ओके, सो लेयर्स ऑफ कार्बन एटम आर फॉर्म्ड. ठीक है, अब यहां पर इस चीज को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं. व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल, हमने ये बताया कि ग्रेफाइट में हो क्या रहा है, ग्रेफाइट में जो एटम्स हैं कार्बन के, वो कार्बन के एटम्स, सपोज ये एक प्लेस है, एक कार्बन एटम जो है वो कैसा, यहां पर तीन और कार्बन से जुड़ा है. सपोज वी आर फोकसिंग ऑन दिस, अब इस कार्बन पर हम अगर फोकस करें तो ये एक से जुड़ा है. ठीक, सॉरी ये तो साइड का हो गया, हाँ दूसरा यहां पर आ गया. आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो हम ये एक कार्बन ले रहे हैं जो मिड का है, क्योंकि हम कोई ना कोई वैकेंसी ऐसी, वैलेंसी ऐसी यहाँ पर अनसेटिस्फाइड दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये वास्तव में जुड़े हुए हैं जहां पे नहीं दिखा. लेकिन अगर मिड का हम ले रहे हैं तो यहां पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये एक कार्बन एक दो और तीन,
तीन लोगों से जुड़ा है। ये जो कार्बन है वो कितने लोगों से जुड़ा है, वो थ्री लोगों से जुड़ा है, दिस दिस, ठीक है, ये एक कार्बन, ठीक, और दिस। वन सपोज दिस इज योर कार्बन, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मुझे बताते ही हो रहा है, हम लोग स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनाते हैं, ये कार्बन है तो ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। इसी तरह से हर एक कार्बन जो है वो कितने से जुड़े हैं, तीन से जुड़े हैं, ठीक है, और वो क्या बना रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं। कैसे, हमारे पास फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर लें, ये यहाँ पर कार्बन था, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, इसने फिर से हेक्सागन बनाया, लाइक दिस 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 एंड, ये आगे फिर किसी और से जुड़ेगा, ये आगे फिर किसी और से जुड़ेगा, इस हेक्सागन का ये एंड हुआ, इस हेक्सागन का ये एंड हुआ, ऐसे ये जो है वो बढ़ते जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर हम मान लीजिए दूसरा हेक्सागन लाए, दूसरा हेक्सागन लीजिए, ये मिला दिया लाइक दिस और ये, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। नाउ इग्नोर दिस, ये जो हमने बनाया था इसको इग्नोर कर रहे हैं आप। चलिए तो अभी क्या है कि अब हर एक जगह पर ये, अगर मान लीजिए आपके पास एक कार्बन ये है दिस वन, तो ये कार्बन किससे किससे जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है आपका, ये कार्बन जुड़ा है इससे, ये कार्बन जुड़ा है इससे और यही कार्बन जुड़ा है इससे, तीन से। तो आपको पता है एक यहां पर पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए भाई, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए। यानी अगर हम किसी कार्बन को इस तरह से जोड़ रहे हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सॉरी, फिर उसके बाद में यहाँ पर कार्बन है, ये हेक्सागन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो सिंपली ये यहाँ पर कार्बन है और ये आके, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पर ये इससे जुड़ेगा, ये आगे फिर कहीं जाके, ये दो जार बट पार्ट ऑफ हेक्सागन, वही चीज आपको इमेज के सामने, ये यहाँ आके जुड़ेगा, फिर ये किसी और से जुड़ेगा, फिर ये किसी और से जुड़ेगा, फिर ये किसी और से जुड़ेगा, और फिर उसके बाद में ये लोग जो है एक हेक्सागन फिर से बनाएंगे, यहाँ भी एक हेक्सागन बनना है, एक हेक्सागन इस जगह पर है, ठीक है। तो ईच कार्बन इज अटैच्ड विद थ्री मोर कार्बन, एंड इफ इट इज थ्री मोर कार्बन, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp2, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको पता है कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो आप लिखते हो 1s2 1s2, फिर क्या लिखते हो 2s2, फिर क्या लिखते हो 2p2, तो जब एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि ये आपका 2s का ब्लॉक हुआ, जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन होते थे, एक आगे प्रमोट हो गया, और 2p में कितने ऑर्बिटल हो गए भाई, 2p में 3 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, और 2p में जो 3 ऑर्बिटल्स हो गए वो वहाँ पर पहले तो दो इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब जो दो इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे उसमें से एक आगे आ गया, कहाँ, प्रमोट होके 2s से कहाँ पहुँच गया, 2p पे पहुँच गया, ठीक है। अब 2p में पहुँच गया तो ऐसे में ये लोग मिलकर, ये और ये मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए, एक ही बचा हुआ है,
ये अनहाइब्रिडाइज्ड भी थ्री यानी कि यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, 2D फ्लैट 2D हेक्सागोनल शीट्स बनती जाएंगी और सब एक दूसरे में फ्यूज्ड रहेंगे। पर सवाल है ये कि एक लेयर बना फिर दूसरा, अब इसके बीच में रह जाएगा स्पेस, यानी कि एक लेयर के सारे कार्बन तो जुड़े हुए हैं पर दूसरी लेयर के से नहीं जुड़े हैं, दूसरी लेयर के सारे कार्बन जुड़े, पहली और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस हमने ले लिया 340 पिकोमीटर, ठीक। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जिसे आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि दीज लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, और अगर ये स्लाइड कर सकती हैं तो इसका मतलब दे आर हैविंग गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, तो दे आर यूज्ड एज, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ठीक, बिकॉज दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। इसी कारण से ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड इन लेड पेंसिल्स आल्सो, पेंसिल में भी यूज करते हैं लिखने को, जब आपका रफ सरफेस है तो उस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इसमें जो पीजेड इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने बताया था जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दोज आर अप्रॉक्सिमेटली थ्री, तो पाई बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड, अगर वो डीलोकलाइज्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए, डायमंड में पाई बॉन्ड नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स वेर लॉक्ड इन सिग्मा, तो सिग्मा में लॉक हो गए, इसका मतलब डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इसलिए इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक। सीसी बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर है, जो इंटरमीडिएट हो जाएगा सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 142 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये आप सॉरी 134 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर होता है, ये आपका बेस यानी 11-12 का जितना स्ट्रांग है उतना ही आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे फर्दर स्टडीज में। ग्रेफाइट इज सफिशियंटली हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्ट्रांगर कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स लेयर स्लाइड तो कर सकती है पर वो मेल्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ओके। तो यूजेज ऑफ ग्रेफाइट इन मॉडर्न टाइम्स, ग्रेफाइट इज यूजली कंज्यूम्ड इन स्टील मेकिंग, ब्रेक लाइनिंग, लुब्रिकेंट, फाउंड्री फेसिंग, इन सब में यूज करते हैं, हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट में हो गया, ठीक है, इसको एज ए सरफेस हम बना देंगे, ठीक। वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रेफाइट जो कि ग्रेफीन है, ये सर्टेन स्पेशल फीचर्स रखती है, आजकल इस पर काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है, ठीक, और ये आपका एक एडवांस टेक्नोलॉजी का स्टडी हो गया। ग्रेफीन जो है इसका, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे यूज करते हैं, इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल में भी यूज करते हैं, सो मेक द प्रॉपर नोट एंड लर्न दिस, ठीक। सम मोर यूजेज ऑफ ग्रेफाइट दैट इज वेरी कॉमन, जैसे मैंने देखा कि जो रिबन होता है टाइपराइटर के वहाँ पर यूज करेंगे, या फिर कहीं पे जो लेड पेंसिल हुई वहाँ पे यूज करेंगे, तो प्रिंटर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फुलरीन, जो फुलरीन्स होते हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट, यानी कि पहले हम लोग के पास दो एलोटॉप थे, कौन से, डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि नॉर्मल बॉन्डिंग मोड पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नो पाई बॉन्ड, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डायमंड में sp3 है, वो सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये इतना डिफरेंट एलोटॉप है जो कि मतलब बनाया गया है, ना कि नेचर में पाया गया, ठीक, दैट हैज बीन मेड, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल्स और सॉक्सर बॉल्स, यानी फुटबॉल जिसको आप बोलते हो वैसा बोल सकते हैं, दीज वेयर डिस्कवर्ड अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट एट राइस यूनिवर्सिटी जिस बाय क्रोटो कर्ल एंड स्माली, क्रोटो कर्ल और स्माली ने इनको डिस्कवर किया था, ठीक। जो C60 यूनिट्स उस समय बनी थी वहां पर ग्रेफाइट को वेपराइज करके बनी थी हीलियम के एटमॉस्फेयर में, दोज वेयर नेम्स एज बकमिंस्टर फुलरीन हु वाज अ फेमस आर्किटेक्ट, ठीक। ऐसा माना जाता था कि बकमिंस्टर जो जियोडेसिक डिजाइन जैसे
बना सकते हैं, उड़ीसा कोई नहीं. सो दे डेडिकेटेड दिस नेम टू बकमिंस्टर फुलर, और इसका नाम क्या हो गया, बकमिंस्टर फुलरिन. फॉर दिस डिस्कवरी, ये अब भी इस पर बहुत हार्ड टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, इस पर रिसर्च कंटिन्यूड है, कई सारे यूजेस हैं, और इसका एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस देखते हुए दे हैव गॉट नोबेल प्राइज इन 1996, यानी 1985 में इन्होंने डिस्कवर किया. 1996 तक लोगों को समझ में आ गया कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू डायरेक्शन ऑफ चेंज द डायरेक्शन ऑफ साइंस, दैट्स व्हाई दे हैव गॉट नोबेल प्राइज. C60 एंड अदर फुलरिन्स वेयर लेटर नोटिस्ड टू अकरिंग आउटसाइड द लेबोरेटरी. बाद में इसको देखा गया कि कैंडल सूट, यानी जो हम मोमबत्ती जलाते हैं उसके धुएं में, जो लेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, वहां भी ऐसी कुछ पाए जाते हैं. बट फर्स्ट जो ये हुआ था उसको लेबोरेटरी में बनाया गया था. फुलरिन्स दीज आर कंसिस्ट ऑफ इलिप्साइड सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट और सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डजन्स ऑफ कार्बन एटम. ओके, सो दीज फुलरिन्स मे बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेनर. स्फेरिकल फुलरिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल्स. सिलेंड्रिकल फुलरिन्स जिसको कार्बन नैनो ट्यूब्स में आजकल खूब यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बकी ट्यूब्स. और फिर है प्लेनर फुलरिन्स, ग्रेफीन मैंने बताया था, उसी ग्रेफाइट से मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक, जस्ट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस कि बेसिकली फुलरिन्स जो है स्टैक्ड शीट ऑफ लिंक हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग का बना होता है. यानी स्फेरिकल फुलरिन की बात हम कर रहे हैं अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल फुलरिन. तो एक तरह से ये हॉलो कैविटी बनाते हैं, जहाँ पे मैंने आपको एक बॉल रख के दिखा दिया, ये हेक्सागोनल, दिस इज हेक्सागोनल रिंग, दिस इज पेंटागोनल रिंग, इस तरह से ये जुड़े हैं. ओके, सम कॉमन फुलरिन्स हैं C60, C70, C76, C78 एंड सो ऑन. इन ब्रैकेट सिमेट्री हैज बीन गिवन, जिसको आपको अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है. ये पॉइंट ग्रुप्स और सिमेट्री अनदर टॉपिक इन केमिस्ट्री. ओके, सो वी हैव टू बेसिकली स्टडी बकमिंस्टर फुलरिन. हम सारा कुछ जो है वो बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में ही पढ़ते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन व्हिच इज ए स्फेरिकल फुलरिन इज ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रा कंप्राइजिंग 12 रेगुलर पेंटागोनल फेसेस, 20 रेगुलर हेक्सागोनल फेसेस, ठीक, एंड 60 वर्टिसेस, 90 एजेस. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्या क्या इसमें है. 60 सिंगल बॉन्ड आएंगे और 30 डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक, टोटल 90 एजेस हो जाते हैं इसमें. ओके, दीज 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड 12 पेंटागोनल कार्बन रिंग्स मेक द बेसिस ऑफ आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री, दैट इज द क्लोज्ड केज स्ट्रक्चर जो बनाते हैं. ठीक, द हेक्सागोनल रिंग में बी फ्यूज्ड, जो हेक्सागोनल रिंग है, द हेक्सागोनल रिंग में बी फ्यूज्ड विद हेक्सागोनल